अब बात कुछ सियासी खबरों की। दिग्विजय सिंह के भाई ने कांग्रेस को एक बार फिर से घेरा। लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी में बताया है दलालों का कब्जा। कहते हैं वो कि दलालों से घिरे हैं दिग्विजय सिंह, इसलिए पड़ा है बंटा धारणा। कांग्रेस ईवीएम से नहीं बल्कि भीतरघातियों से हारी है। पार्टी दलालों से चलेगी या कार्यकर्ताओं से? ये सवाल भी पूछा है लक्ष्मण सिंह ने। लक्ष्मण सिंह ने अलग पार्टी बनाने के भी संकेत दे दिए। ये बड़ी बात। तो अपनी ही पार्टी को और अपने ही भाई को घेरते हुए नजर आए लक्ष्मण सिंह। कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं लक्ष्मण सिंह ने, सुनिए। मैंने आकलन किया नतीजों का, और यही नहीं किया है, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया है और मैं उनके संपर्क में हूं। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की, वहां से कांग्रेस हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हारने के लिए, हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। और जितने हमारे राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश में, उनको आकलन करने की जरूरत है। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं, क्या ईवीएम ने कहा था कि यहां सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं। कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं, लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत है जो इन नेताओं को घेर घेर के उन्हें गलत रास्ते पे चले ले जाते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है, 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते हैं? बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं है। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। लक्ष्मण सिंह के अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद सियासत गर्मा गई। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि लक्ष्मण सिंह का बयान काफी सनसनीखेज है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। एक और कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है तो वहीं लक्ष्मण सिंह ईवीएम को क्लीन चिट दे रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने अपने बयान में दलालों का भी जिक्र किया है। भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे हैं लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। ईवीएम को लेकर भी एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहां ईवीएम को लेकर वो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पे निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के तो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का बयान सामने आया। बुंदेला ने कहा कि लक्ष्मण सिंह जी का ये निजी बयान है, ये बयान करीब एक महीना पुराना बताया जा रहा है। उसके बाद सरकार के मुख्यमंत्री भी बदल गए और कांग्रेस पार्टी ने भी नए अध्यक्ष को चुन लिया। लक्ष्मण सिंह जी ने अपनी हार की समीक्षा की होगी। जब भी कोई व्यक्ति हार की समीक्षा करता है तो कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। संगठन लगातार अपना काम कर रहा है, शीर्ष नेतृत्व ने भी बहुत सोच समझ कर अपने फैसले लिए हैं। का एक निजी बयान हो सकता है क्योंकि वो भी एक लंबे मार्जिन से जब व्यक्ति हारता है तो हार की समीक्षा करता है। कई उसके विधानसभा क्षेत्र में भी कई लोग ऐसे रहते हैं जो उम्मीद के अनुरूप काम नहीं करते, हो सकता है वो कोई बात रही हो, लेकिन मुझे लगता है इस बात पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। और जहाँ तक बात है तो शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी ने एक नया अध्यक्ष, एक युवा अध्यक्ष, एक आदिवासी युवा नेता, नेता प्रतिपक्ष बनाया है, एक उपनेता युवा बनाया है। तो मुझे लगता है पार्टी ने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कि ठीक है हम पिछला चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हाँ आगे की हमारी तैयारी जबरदस्त है और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी से काम कर रही, तैयारी कर रही, और आप देखें हम 15 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में हैं आज की तारीख में। ये लक्ष्मण सिंह जी का एक निजी बयान हो सकता है।